निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार ही मरीजों से मनमाने पैसे वसूल कर निजी अस्पताल अपनी जेबें भर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है काशीपुर से, एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे प्रशासन को ही हिलाकर रख दिया। यही नहीं, जिसने भी सुना उसके हाथ पैर फूल गए। और हैरानी वाली बात तो ये है कि बिना भुगतान के मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया गया। जी हाँ, आयुष्मान अस्पताल का ही ये मामला है जहाँ 7 लाख रुपए का बिल मरीज को चुकाना पड़ा, जबकि जिस इलाज के लिए मरीज से 7 लाख रुपए लिए गए थे वो इलाज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से महज कुछ रुपयों में ही हो सकता था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड सेंटर के रूप में आयुष्मान अस्पताल को चयनित किया गया था, जिसके बाद से लगातार ही कोविड मरीजों से अधिक शुल्क लेने की शिकायतें भी मिल रही थी। तो वही प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे बिलों का भुगतान जो है मरीज से जरूरत से ज़्यादा वसूला जा रहा है, तो उसी की जांच के लिए यहाँ पर जो टीम गठित करी गई थी उस मसले में हम लोग यहाँ पर आए थे। और जांच में हमने इनको निर्देश यही दिया है उच्च अधिकारियों का कि 10 से 15 दिन में जितने भी डिस्चार्ज हुए हैं वो सभी के सब भी बिल जो है ऑफिस में पेश किए जाएँ, उन बिल पर जाँच की जाएगी। और 3-4 बिल हमने देखे हैं जिसमें कि इन्होंने अधिक पैसा वसूला है। वहीं जब जांच शुरू हो गई और स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले को खंगालना शुरू किया तो निजी अस्पताल के डॉक्टर का बयान कुछ ऐसा था जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि कोरोना काल में काला बाजारी की वजह से उनको उपकरण महंगे मिले, जिससे उन्होंने उनकी कीमत भी मरीजों से ही वसूल ली। प्रशासन को, SDM सर को, मैंने सबको अवगत कराया था। जिस समय कोविड स्टार्ट हुआ था मैंने लिखित माध्यम में सूचना दी थी कि माननीय महोदय हर चीज़ के रेट्स बहुत बड़े चल रहे हैं, कृपया इन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन शासन द्वारा कहीं कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बाईपैप मशीनें जो शायद अमृत की तरह मानी जा रही थी, ये जो अमृत की तरह मानी जा रही थी बाज़ार में 30-35-40 हज़ार रुपये की आती हैं, लेकिन कोरोना के टाइम पर आम जनता को भी पता है कि जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे पार्ट्स थे, वॉल्व थे, जो 500 रुपये या 600 रुपये 800 रुपये का सामान था, उस समय पब्लिक को भी वो 5-5 हज़ार रुपये का मिल रहा था। तो क्या तो ये बाईपैप की मशीनें हमें सस्ती क्यों मिल रही होंगी? हमें भी सस्ती नहीं मिली हैं। ये बाईपैप की मशीनें जो 35 हज़ार रुपये की मशीनें हैं बाजार में, 35-40 की, हम लोगों ने इसका 1 से 1.25 लाख रुपये पे किया हुआ है। कालाबाजारी हुई तो हमने भी अस्पताल में मरीजों से बड़ा हुआ शुल्क ले लिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही जवाब है आयुष्मान अस्पताल के डॉक्टर का, जिन पर आरोप है कि मरीज से इलाज के लिए ज्यादा पैसा वसूला गया। और डॉक्टर साहब की सफाई ये कि हम भी लूटे तो हमने भी लूटा। बहरहाल जो भी हो, मगर अब गेंद प्रशासन के पाले में गिर गई है। देखना होगा कि डॉक्टर साहब की ये दलील उनको कितना बचाती है। संवाद 365 के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।